गोबर हमारे पास है। आपसे अच्छा लिपी हूँ कि आप लिपे? छाया देख देख के ही लिपी हूँ। गाय के दो आंख, दो सींग, दो कान और चार पैर होते हैं। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं एक निबंध से शुरू क्यों कर रही हूँ आज का व्लॉग, बिकॉज नॉट ओनली इन छत्तीसगढ़, आई थिंक ऑल ओवर इंडिया गाय के गोबर को बहुत ही ज़्यादा पवित्र माना जाता है। एंड इसी पवित्रता के साथ आज हम गोबर से लिपाई करने वाले हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है, हमारे लिए गाय बैल लाइक हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसके बिना हम किसानों का जीवन अधूरा है। मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ पैरा खुगड़ी, जैसे कि पीछे पैरा है, अंदर ले चलती हूँ। अभी तक वो उगा नहीं है बट मैं आप लोग को दिखाऊंगी। चलिए, ये देख रहे हो आप, ये उगने वाला आई गैस, ये कल तक उग जाएगा। आगे जाएंगे तो यहाँ पे भी एक उग रहा है। पर्सनली मुझे तो बहुत अच्छा लगता है ये मशरूम, आप लोगों को कैसा लगता है मुझे बताइएगा, ठीक है। और आप लोग सादरी वाले ब्लॉग को बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हो, उसमें मैंने खुकड़ी बनाया अभी है, तो जल्दी जाइए, अगर आपने नहीं देखा है तो जल्दी देखकर आ जाइए। मेरा टायर, इससे मैं बचपन में ना खेला करती थी। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या मैं लिपाई कर सकती हूँ? यस ऑफ कोर्स, मैंने बचपन में बहुत लिपाई किया, लाइक मुझे घरेलू चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद था, लिपाई करना और छबाई करना, और वो जो छोटे छोटे मिट्टी के खिलौने रहते थे ना, उससे खेलना बहुत पसंद था। तो ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं आता, मुझे सब आता है, बट मैं अभी नहीं करती, बचपन में बहुत करी हूँ। काफ़ी टाइम बाद आज मैं ऑन कैमरा करने वाली हूँ, लाइक मैंने कभी ऑन कैमरा नहीं किया है। बट फॉर यू ऑल गाइज आई एम गोइंग टू शो, एंड दिस इज़ अ कल्चर। इंडिया तो मैं ज़्यादा घूमी नहीं हूँ, बट छत्तीसगढ़ में अगर आप किसी के घर जाते हैं, आंगन में, अगर मिट्टी का घर है तो किचन में आप लिपा हुआ ही पाएंगे। एंड वी शुड नॉट हेजिटेट, हमें इस पे नाज होना चाहिए। तो ये रहा गोबर। आई थिंक माई मॉम विल बी शॉक्ड, लाइक मैंने किचन को लिपा है, सो दिस इज़ नॉट नॉर्मल कि मैं ऐसा खुद की मर्जी से लिपाई कर रही हूँ। मेरे घर वाले कभी ऐसा फोर्स नहीं करते, बट अगर कुछ गिर गया, इन केस मैंने दूध गिरा दिया और समथिंग गिरा दिया, तो मैं लिपाई कर देती हूँ। बट नाउ लाइक आई एम गोइंग टू डू फॉर द होल किचन, एंड आई थिंक माई मदर विल बी सो हैप्पी, वो सरप्राइज भी हो जाएंगे। आई डोंट नो उनको पता चलेगा कि नहीं, बट विल डू आर बेस्ट, एंड लेट्स सी व्हाट सी सेज, एंड आई विल लेट यू नो गाइज, ओके। एंड आप लोग पूछते हो कि आप इंग्लिश हिंदी लाइक बहुत सारे लैंग्वेज मिक्स क्यों करते हो? मिक्स करने का इसलिए रीज़न है क्योंकि मेरे पास कोई इंग्लिश बोलने वाला सदस्य नहीं है और मुझे अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करनी है। मेरे पास सादरी बोलने वाला कोई नहीं है पर मुझे अपनी सादरी भी इम्प्रूव करनी है, साथ में मेरी हिंदी भी अच्छी नहीं है तो मुझे अपनी हिंदी भी इम्प्रूव करनी है। सो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, और विदाउट प्रैक्टिस कुछ नहीं हो सकता। तो मैं सोचती हूँ कि मैं आप लोग से बात करते करते ही मेरी प्रैक्टिस हो जाए। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं किस पार्ट से स्टार्ट करूँ, सो बेसिकली आई एम थिंकिंग दैट आई विल स्टार्ट फ्रॉम दिस पार्ट जहाँ की चूल्हा है। एंड इफ माई मॉम इज़ वॉचिंग दिस, मेरी मम्मी एक्चुअली बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, मतलब सुबह उठेंगी एंड फिर काम 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 काम, स्कूल जाती हैं, एंड व्हेन शी इज़ बैक होम शी विल बी स्टिल वर्किंग, यू नो, लाइक इतना काम कोई कैसे कर सकता है, मैं तो तुरंत थक जाती हूँ। लाइक पहले के लोग ना बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होते थे, और हम लोग को देखो बहुत ज़्यादा लेजी हो जाता है, थोड़ा सा ही बाल्टी क्या उठा दिए पूरा थक जाते हैं। मेरी मम्मी को मैं सैल्यूट करना चाहती हूँ, अगर आप देख रहे हो तो सैल्यूट टू माई मदर, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है यार, कैसे नहीं थकते हो आप यार, मम्मी थोड़ा रेस्ट कर लो, ऑन कैमरा बोल रही हूँ। अगर ये आप वीडियो देख रहे हो तो थोड़ा रेस्ट कर लो, बिकॉज वो रेस्ट ही नहीं करती हैं यार, लाइक क्या बोलूँ मैं। कमेंट करिए कि आंटी प्लीज़ रेस्ट करिए, क्योंकि अब मैं भी नहीं रहूँगी और मेरी बहन भी चली गई है, प्लीज़ आप रेस्ट करना अगर आप ये वीडियो देख रहे हो। अगर मैं इंग्लिश में बात कर रही हूँ तो आप लोग भी सुन सुन के उसे कैच करने की कोशिश करिए, और हम लोग स्लैंग वर्ड्स थोड़ा यूज़ करना कम करेंगे। लाइक आई विल ट्राई दैट आई विल नॉट यूज़ स्लैंग वर्ड्स, बट हाँ कहीं कहीं पे अच्छा लगता है यार यूज़ करना, सो या तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेचुरल गोबर हमारे पास है, मम्मा से अच्छा तो कोई नहीं कर सकता, बट वी विल ट्राई, लाइक आई हैव डन इट मैन, सो आई गोना डू इट। जैसे कि मैं हमेशा आप लोगों को बोलती हूँ, अकेले शूट करना इज वेरी टफ, और राइट नाउ ये शूट करना बहुत ज़्यादा टफ हो रहा है, तो मैं फटाफट निपटाती हूँ काम, बिकॉज इट इज़ सो टाइम टेकिंग, एंड मैं जब बनाऊँगी अच्छे से तब मैं आपको शो करूँगी। लाइक हम फटाफट निपटाते हैं बिकॉज मुझे और भी कुछ काम है, सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम वी विल जस्ट फिनिश इट एंड आई विल गोना शो यू, सो वेट टिल द एंड। तो ये रहा जो मेरी मम्मा ने बनाया था, जो कि बहुत सुंदर लग रहा है, लेट्स सी
कि मैं बना पाऊंगी कि नहीं. आई एम गोना ट्राई टू डू माई बेस्ट. तो मैंने नोटिस किया कि वो जो उंगलियों का निशान है मम्मी का थोड़ा बड़ा बड़ा है और मैं थोड़ा छोटा छोटा बना रही थी. तो मैं अभी बड़ा बड़ा बनाने वाली हूँ ताकि ये और सुंदर लगे. तो ये मैंने ऐसा बनाया है, फिर ऐसा बनाया है, अब मैं ऐसा इधर से बनाऊंगी. आई थिंक आई एम सक्सेसफुली डन. यू कैन सी कि ऐसा ऐसा बना है. ये फाइनली आई एम फीलिंग सो 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 हैप्पी. तो मैंने पूरा ऑलमोस्ट कर दिया है एंड इट लुक्स लाइक दैट. सूखने के बाद ये और ज्यादा अच्छा दिखेगा. हमारी मेहनत रंग लाई है दोस्तों और यू कैन सी दिस लुक्स सो ब्यूटीफुल. और ये जब सूखेगा तो बहुत सुंदर लगेगा, आई गारंटी. ये तो मम्मी ही बताएगी. काफ़ी मेहनत के बाद फाइनली हो चुका है. मैंने एक्चुअली काफ़ी टाइम बाद करा, मम्मी मैंने सारा गोबर ख़त्म कर दिया सारी. तो क्या आपको लगता था कि मैं लाइक लिपाई कर सकती हूँ, की टूरी भी बन सकती हूँ और मैं स्ले भी कर सकती हूँ? फोकस किया, तुम फोकस क्यों नहीं ले रहे हो? पीछे देख रहे हो कैसा सीन है, धान ही धान है पूरा. जैसे ही मैं अपने घर से निकलती हूँ ये वाला व्यू दिखता है एंड मेरे छत से भी दिखता है. और जैसे कि धान का सीज़न आ गया तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ये वाला व्यू दिखा ही दूँ, क्योंकि ये वाला मेरा फेवरेट व्यू है. एक्चुअली ना जब भी मैं गाँव आती हूँ तो मुझे अलग अलग टाइप की भाजी खाने को मिलती है. और जब मैं रायपुर में रहती हूँ ना, भिंडी आलू बरबट्टी खा खा के मैं बोर हो जाती हूँ. यहाँ पे वैरायटीज़ ऑफ लाइक फूड खाती हूँ मैं, वैरायटीज़ ऑफ वेजिटेबल्स खाती हूँ, तो मुझे यहाँ की बहुत याद आती है. रफ़ुकश्य तुम कब सुधरोगे यार, सुधर जाओ यार. सीधा ब्यूटी ये हरियाली आप लोग देख लो, बिकॉज इट माइट बी माई लास्ट व्लॉग. तो नेक्स्ट टाइम आपको ये हरियाली देखने ना मिले. डन विद माई वर्क और मैं सोच रही हूँ कि मैं जल्दी से नहा लेती हूँ. वो मैं नहा ली. देख रहे हो आप लोग कितना अच्छा से बनाया है, पूरी तरीके से सूखा नहीं. मुझे इसका लुक बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है. पता नहीं अभी ये मम्मी ही बता पाएगी कि कैसा मैंने लाइक लिपाई करा है. मैं थोड़ी सी लेट हो रही हूँ क्योंकि मेरा थोड़ा भी कुछ शूट है. जल्दी से खाना बना लेती हूँ इससे पहले कि मेरे दोस्त आ जाएं. मुझे सारे भी तो ट्राई आउट करना है ना, तो जल्दी करते हैं. सारे इतना ज़्यादा हैवी है ना, लाइक आई कांट टेल यू. मैंने यूट्यूब पे सर्च किया और किसी ने पहन के नहीं दिखाया है. मम्मी भी हाजिर नहीं है. साड़ी पहन ही रही थी, यू कैन सी द ब्लाउज. और मैंने आधा लाइक बड़े मुश्किल से पहना था कि बारिश हो गई और बारिश के कारण मुझे कपड़े लेने जाना पड़ा जो कि मैंने सुखाया था. वैसे मैं आदिवासी दिवस पे इसलिए नहीं गई क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी. बाकियों का तो नहीं पता पर इसको जो घुसाने में मेरी नानी याद आ गई ना मुझे. सो 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 टफ. और मेरी हालत पंचर हो गई है. क्या अभी भी देख ही रहे हो? एक लाइक कर दो यार, इतना मेहनत कर रही हूँ. आई विल नॉट गिव अप. ये सामने से दिख रहा है उतना सुंदर ये पीछे से नहीं दिख रहा है, क्योंकि जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि ये साड़ी बहुत मोटा है और इसको इन करने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रहा है. तो जल्दी से फाइनल लुक पे आते हैं. मम्मी देखी तो लाइक सी विल बी सो सो हैप्पी, बहुत खुश हो जाएगी. मम्मी देखो मैंने खुद से पहना. जो बहुत तेज भूख लगी है तो फिर मैं पहले खा लेती हूँ कुछ. ला ला ला, मेरे छोटा टोकरी कहाँ गया? ला 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 ला. किचन बहुत प्यारा लग रहा है. एक्चुअली मैंने आज बहुत अच्छा काम किया यार, मम्मा विल बी सो प्राउड ऑफ मी. ठीक है, बारिश आई, मैंने कपड़ा निकाला, तब तक ठीक था, बट अब पहनने के बाद फिर यूरिन लगे तो उसको क्या कहें दोस्तों. मुझे तो लाइक कुछ वर्ड्स नहीं है, अब मैं क्या करूँ. ओह, थोड़ी थोड़ी बारिश शुरू हो गई. तो बहुत तेज बारिश हो रही है और मुझे लगता है मेरे फ्रेंड्स नहीं आ पाएंगे और मेरा शूट नहीं हो पाएगा. क्या पता आज के दिन से ज्यादा अच्छा दूसरा दिन हो. वी नेवर नो. वी शुड ऑलवेज थैंक्स फॉर दिस वंडरफुल डे. तो ना यार, हटाओ ना ये सबको, हटाओ. क्या हटाओ यार? लौटा के पहनते. कैसे पहनते हैं यार? गलत पहनती हूँ क्या? गलत साड़ी पहन दी. ओह नो. किचन गए थे? नहीं. आओ ना एक मिनट, आओ ना. ओके, तो मम्मी आ रही है. देखो ना कितना साफ सुथरा कर रही हूँ किचन को. किचन देखो. नहीं पता चल रहा है. तभी था गिर घुसाई थी. क्या है बताओ ना. इधर जमीन देखो यार, कुछ नया नहीं लग रहा है. आप लिखे और क्या.
मैं ही लिपी हूँ, कैसा दिख रहा है बताओ? कौन किया इसको? मैं लिपी हूँ, बताओ कैसा है, जल्दी बताओ। ठीक है, आपसे अच्छा लिपी हूँ कि ये हाँ मैं बनाई हूँ, वो तो अलग वाला है, मम्मी को पसंद आया। छाया देख देख के ही लिपी हूँ। बहुत मेहनत लगा है। हाँ दो खेत जाओगे? ठीक है जाओ। हाँ पहली बार, माय मम्मी इज लाइक पहली बार। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल। अभी मैं थोड़ा सा बिजी चल रही हूँ तो मैं चलती हूँ फिलहाल। बाय बाय।